हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। पिला माने तुम मानकर 9th क्लास रो बिल एग्जाम हेबा को जाउची, सेति पई मु तुम मानक पई मैथ रो किछि इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर नेके आछि। चैनल को जदि पिला माने नो आछ चैनल को सब्सक्राइब कर देबो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल ए सेट कर देबो, जे पर के लेटेस्ट वीडियो रो अपडेट तुम मानक पाखरे जल्दी पहुंच पाइबो। पिला माने तुम्हें जदि आम 9th क्लास सिलेक्टेड ग्रुप जॉइन होगा चाहो तो आमर व्हाट्सएप नंबर 6372065927 नंबर रे तुम्हें मेसेज कर। व्हाट्सएप नंबर रे मेसेज कर सारा 99 रुपीज तुम्हें यूपीआई पेमेंट कर, तुमको ग्रुप जॉइन कर दिजिव। आउ चैप्टर व्वज पे मैंने तुम मानकर इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन आंसर सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर प्रस्तुत कर तुम मान एग्जाम बहुत ही हेल्प कर। पे तुम मान जो क्वेश्चन कहवा को चाहिए से क्वेश्चन गुड़ी को अलग स्कूल हो सारी एग्जाम हो सारी से क्वेश्चन आंसर चलो देखने क्वेश्चन गुड़ को कौन अच्छी। पे 9th क्लास देखिए क्लास 9 हापीली एग्जाम 2023 है MTEH मैथ अच्छी। आम पार्ट वन ऑब्जेक्टिव पार्ट तो आम डिस्कशन करवा, चलो स्टार्ट करिया। पिला माने एडी किछ इंस्ट्रक्शन देछि तुम्हें माने पढ़ी दमो। पिला माने पार्ट वन मैथ, पिला माने फर्स्ट देछि पायर मूल्य 22/7 नियो। आउ एही विभाग रे 50 प्रश्न दिया जाइछि, प्रत्येक प्रश्न रो 4 विकल्प उत्तर दिया जाइछि, सेति मधुर ठीक उत्तर बाछि। ओमा शीट रे दिया जाइतिबा गोल को नील किंबा कला बॉल पेन कलम द्वारा पूरण करबाको हेबो। हला समस्त क्वेश्चन पे आंसर दियो। फर्स्ट क्वेश्चन पे मैंने कही ए ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू केते है, ए हम ना ए डैश हम ना फाइव हम ना जीरो सेट हम तेल पे आंसर ऑप्शन सी फाइव बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखीद क्वेश्चन देट्र सेट तत्वर प्रवर्तक किए, पाइथागोरस ना जॉर्ज कैंटर ना टेलीम ना थेलिस। पे 2 नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी जॉर्ज कैंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन जोटा कि ए सेट रे ए इक्वल टू बी इक्वल टू देते 5 ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी 3 हेले ए डेल्टा बी इक्वल टू केते 10 ना 4 ना 0 ना 3 है। पे आंसर ऑप्शन बी जोटा कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 नंबर क्वेश्चन देखा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 3 हेले ए यूनियन बी इक्वल टू केते ताले पे आंसर ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सच दैट ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0 को तालिका प्रणाली में लिखले डैश हे। पे 6 नंबर क्वेश्चन आंसर होटा ऑप्शन बी 1 आउ माइनस 1 गोटे सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कही 5 टू दुवार एक्स इजिकल टू 25 रुट 5 हेले एक्स रान के 7 नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 रुट 45 रुट आउ 15 रुट इंटू अच्छी केजिकल टू के हम एनसर ऑप्शन डी जोटा कि 90 है। पे सिंप्लीफाई करके तुम्हें बाहर कर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन रुट ओवर ए आउ रुट ओवर बी प्लस बी इंटू ए रूट ओवर माइनस बी रूट ओवर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ताले पिला माने रे कोड फार्मूला अच्छे ना ऑप्शन बी जोटा कि अच्छी ए क्यू माइनस बी क्यू रो फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कौन कही कौटी एक असीम अणपौनपुनिक संख्या ताले पे कौन हो आंसर ना ऑप्शन सी रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 रु 1000 मध्य केतोटी मौलिक संख्या अच्छी
ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଅଛି, 135ଟି ନା 137ଟି ନା 168ଟି ନା 119ଟି? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, 168ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1.19ର ପରିମେୟ ରୂପ ଡ୍ୟାସ୍। ବାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, 1.2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 7ର ପଲିନୋମିଆଲ ଘାତ କେତେ? 7ର ପଲିନୋମିଆଲ ଘାତ କେତେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, 0। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ହେଲେ ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ଜିରୋ ଦ୍ୱୟ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, -2 ଓ -5। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରୁଟ୍ ଟୁ -√2 ଜିରୋ ବିଶିଷ୍ଟ ପଲିନୋମିଆଲିଟି ଡ୍ୟାସ୍, ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ -2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 27 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ଟି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ -3a ପ୍ଲସ୍ 9। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 15q ମାଇନସ୍ 9q ମାଇନସ୍ 3q ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, 2430। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 3q ପ୍ଲସ୍ 1କୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, 0। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/125 ହେଲେ ଏକ୍ସର ମାନ କେତେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟାକି -3। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଏଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି କ'ଣ ହେବ ନା, 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଏଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଏଠି ହେଇଯିବ 5 to the power 5 ପ୍ଲସ୍ 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 5 to the power 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ୍ ହେଲେ, ଯଦି ଏକ୍ସର ମାନ ହେବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମାନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍, ହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଯେଉଁଟାକି 6। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ, ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଦେଇଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଭୁଲ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 to the power x plus 2 ପ୍ଲସ୍ 3 to the power x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30 ହେଲେ ଏକ୍ସର ମାନ କେତେ? ତାହେଲେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, 1। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏକ୍ସର ଯେଉଁମାନ ପାଇଁ ସମୀକରଣଟି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ଉକ୍ତ ସମୀକରଣ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ହେଲା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମାନେ ମୂଳ ବି ହେବ, ସମାଧାନ ବି ହେବ, ବୀଜ ବି ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1/x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 26/5ର ମାନ କେତେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି 1/5। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ଡେଜ୍ 91-99ର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କଟି ଲେଖିଲେ ଉକ୍ତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ? ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, 5। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 61-45 ହେଲେ, ହେଲା, ଏକ୍ସର ମାନ କେତେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା 85। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିଲାମାନେ କହିଛି ଏଲ୍ ସରଳରେଖା ଉପସ୍ଥିତ ଏ ବି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ -5 ଓ 7 ହେଲେ ଏ ବି କେତେ? ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି 12। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏ ବି ସେଟ୍ ୟୁନିଅନ୍ ପି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ -b - b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍, ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, π/8 ରେଡ଼ିଆନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଯେଉଁଟାକି 25। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 2ଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ଅନ୍ତର 70° ହେଲେ ବୃହତ୍ତମ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି 125°।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने कही पार्श्वस्थ चित्र अनुसार कोण ए बी सी इज टू कोण बी ए डी इज इक्वल टू डैश पे मैंने पार्श्वस्थ चित्र देखिए तुम्हें देख कर खाली मुझे एनसर टी कहीदे एनसर टी हम ऑप्शन ए जोटा कि टू इज टू थ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्श्वस्थ चित्र रे कोण ए सी डी रो समदिखंड सी ई ए बी रेखाखंड सह समांतर हेले कोण ए ए रो परिमाण ए कोणर परिमाण 50 डिग्री हेले बी कोण इज इक्वल टू केते डिग्री हबो ताले पिला माने आंसर हि जीवो ऑप्शन बी जोडा कि 50 डिग्री पिला माने देखि नबो केमती 50 डिग्री हैला मु खाली आंसर टी कहि देउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पिला माने कहिछि ए बी सी त्रिभुज रे बी कोण इज इक्वल टू सी कोण बही बही समद्विखंड द्वारा परस्पर जीरो बिंदु छेद करे ए ए कोण 30 डिग्री हेले बी ओ सी इज इक्वल टू केते ताले आंसर हिजबो ऑप्शन ए जोडा कि 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी त्रिभुज ए बी सी रे ए बी इज इक्वल टू ए सी ए कोण 70 डिग्री हेले बी कोण केते डिग्री हबो ताले पिला माने एटी आंसर हिजबो 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने ए बी सी रो ए कोण रे 72 डिग्री ओ बी कोण इज इक्वल टू 2 सी को माने ए बी कोण इज इक्वल टू 2 सी हैला हेले त्रिभुज डी केउं प्रकार त्रिभुज हेबो ताले पिला माने आंसर हे जो ऑप्शन डी जोटा कि समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन ए बी सी रे बी बी कोण हेला समकोण ए सी कोण द्वय डी रो डी जदि ए बी डी डी जदि बी डी इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर हुए तेबे ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ताले पिला माने एटी आंसर हे जो ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्श्वस्थ चित्र रे ए बी इज इक्वल टू ए सी एवं बी इज इक्वल टू बी सी बी बी सी ए सी डी कोण ए कोण इज इक्वल टू केते देछि ना 140 डिग्री हेले आउ ए सी ई डी कोण माने ई कोण इज इक्वल टू डैश ताले एटी आंसर कोण हिजबो आंसर हिजबो ऑप्शन सी जोडा कि 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज बाहु बाहुत्रय यथाक्रमे 7, 8 और 9 सेंटीमीटर तेबे त्रिभुजर उच्चता त्रयर समष्टि केते बाहु पिला माने देछि कोण 7 देछि 8 देछि 9 देछि ताले उच्चतार समष्टि पिला माने केते देछि एटी पिला माने आंसर हे जेबो ऑप्शन डी जोडा कि 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्श्वस्थ चित्र रे पी इज इक्वल टू पी आर ना पी क्यू इज इक्वल टू केते देछि ना पी आर माने पी क्यू आ पी आर रो समान बाहु अच्छी हेले निम्नस्थ के उक्ति सत्य हम के उक्ति सत्य हम पिला माने ना आंसर आंसर हे जेबो ऑप्शन बी जोटा कि पी ग्रेटर पी एस ग्रेटर देन कि पी क्यू पी एस रो पी एस टी बड़ अच्छी काटू ना पी क्यू ठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कही ए बी सी त्रिभुज ए डी रो मध्यमा हेले निम्नस्थ केमुक्ति सत्य जदि ए डी सी त्रिभुज रे ए डी जदि मध्यमा हबो ताले केमुक्ति पिला माने सत्य कहिछि आंसर हे जबो ऑप्शन ए जोडा कि ए प्लस ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2 ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज रो कर्णर दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर हेले समकोणी रो समकोण रो कर्ण प्रति अंकित लंबर लंबर दैर्घ्य केते सेंटीमीटर हेबो ताले टी पिला माने आंसर हे जबो ऑप्शन सी 4। ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 41 नंबर क्वेश्चन ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुजर कोणसी एक अंतस्थ बिंदु बाहुमानक प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हेले त्रिभुजर उच्चता केते सेंटीमीटर हेबो ताले केते सेंटीमीटर हेबो ना ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे सामांतरिक क्षेत्रर कर्णद्वयर कर्णर दैर्घ्य 20 सेंटीमीटर एवं सम्मुखीन कौणिक बिंदुरु कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर हेले एहार क्षेत्रफल केते वर्ग सेंटीमीटर ताले पिला माने आंसर हे जबो ऑप्शन बी 160। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे सामांतरिक क्षेत्रर उच्चता भूमिर दैर्घ्य 3/4 अंश एवं क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर क्षेत्रटीर भूमिर दैर्घ्य डैश मीटर सामांतरिक चित्र रे उच्चता आ भूमिर केते दीछि 3/4 अंश जदि हेबो क्षेत्रफल दीछि ताले कोइछि कोन
भूमिर दैर्घ्य बाहर करने मैंने ये आंसर ये जो ऑप्शन बी कोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे रोम्बस क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर एवं गोटे कर्ण दैर्घ्य 28 सेंटीमीटर हेले अन्य कर्ण दैर्घ्य केते सेंटीमीटर। आंसर हो जीवो ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे रोम्बस गोटे कोणर परिमाण 60 डिग्री एवं प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य 27 सेंटीमीटर हेले यार कर्णर दैर्घ्य केते सेंटीमीटर हेबो। ऑप्शन बी जोटा कि 37। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन थीटा इज इंटु सेक थीटा इंटु टैन थीटा इंटु कॉसेक थीटा इंटु कॉट थीटा इंटु कॉस थीटा इज इक्वल टू केते ताले पिले माने आंसर इज ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले माने कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/5 हेले सेक थीटा इंटु कॉट थीटा इज इक्वल टू डैश एड आंसर इज ऑप्शन ए 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी समकोणी त्रिभुज रे बी कोण इज इक्वल टू 90 डिग्री ए बी इज इक्वल टू 5 बी सी इज इक्वल टू 12 हेले साइन ए इज इक्वल टू केते ताले आंसर हे जो ऑप्शन सी 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 हेले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हरण 2 टैन थीटा इज इक्वल टू डैश ताले आंसर हे जो ऑप्शन बी 3/40। क्वेश्चन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट टू हेले टैन थीटा रो मान केते ताले एटी आंसर इज ऑप्शन डी 1। पिला माने ये थिला तुम मानकर अष्टम नवम श्रेणी हापिल एग्जाम पाई पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव पार्ट थिला किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला। पिला माने जदि वीडियो टी भल लागे ताले निश्चय लाइक करबो आ शेयर करबो वीडियो टी को तुम सांग माने बाखबो आ चैनल को जे नुवा आछ चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर दबो ए भले वीडियो अपलोड हेले तुम मानक पाखरे जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच पारिबो आ सिलेक्टेड ग्रुप पे जॉइन करिया पई डिस्क्रिप्शन रे नंबर अछि जाके निश्चय मेसेज करबो आ टेलीग्राम चैनल ले भी पिला माने जॉइन कर नबो। थैंक यू पिला माने देखाबो गोटे नुवा वीडियो रे।